ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप। इरफान जयपुर से थे, बचपन वहीं बीता, एक्टिंग भी वहीं से शुरू की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद जयपुर में ही उन्होंने थिएटर से खुद को जोड़ा और वहाँ उन्होंने एक्टिंग की ABC सीखी रवि चतुर्वेदी से। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSG से पास आउट होकर रवि जयपुर गए और उन्होंने कुछ होनहार बच्चों के साथ एक ग्रुप बनाया, थिएटर ग्रुप, और इस ग्रुप में इरफान भी शामिल थे। बस यहीं से इरफान का जो एक्टिंग करियर है उसकी शुरुआत हुई। वो रवि को हमेशा अपना थिएटर गुरु मानते रहे। आज तक से जुड़े शरद कुमार ने रवि से बात की इरफान के बारे में, तो रवि ने बताया कि इरफान बहुत ही मेहनती थे, रात दिन एक किया करते थे थिएटर में काम करते वक्त, और उन्हें जो भी चुनौती दी जाती थी वो उसमें खरे उतरते थे। रवि कहते हैं कि वो मेरा बहुत अच्छा छात्र था, कुछ स्टूडेंट्स टीचर्स की एक एक बात मानते हैं और वो भी ऐसा ही किया करते थे। इरफान ने उसी तरह मेरी बातों का पालन किया और हमेशा मुझे क्रेडिट दिया। उसके अंदर कभी भी नाम मात्र का भी घमंड नहीं आया। वो बड़ा एक्टर बना, नेशनल अवार्ड भी जीता, हॉलीवुड में भी काम किया, उसके बाद भी उसमें घमंड कभी नहीं आया, ना ही उसके साथ कोई विवाद हुआ। मुंबई में रहकर भी उसने खुद को पाक साफ रखा, जो बहुत ही मुश्किल होता है। उसने अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाई थी। रवि ने ये भी बताया कि इरफान के जाने से वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा कि इरफान को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब उनकी तरह छोटी जगहों में रहने वाले टैलेंटेड लोगों को आगे लाया जाएगा, मौका दिया जाएगा। इरफान ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थिएटर की पढ़ाई की है। जयपुर के बाद वो NSD गए थे। रवि बताते हैं कि इरफान के NSD के सिलेक्शन की खबर आने से 15 दिन पहले ही उनके पिता की मौत हो गई। रवि ने उन्हें कहा था कि वो ये मौका चूकने ना दें क्योंकि उन्हें बहुत आगे जाना है। रवि ने बताया कि इरफान की जिंदगी के कई साल अभावों में गुजरे हैं। बताया कि जब वो थिएटर आते थे तो शेयरिंग साइकिल से आते थे। जयपुर से इरफान NSD गए, फिर बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए मुंबई चले गए, जहां उन्हें कई सालों तक संघर्ष करना पड़ा। रवि बताते हैं कि मैं भी मुंबई चला गया था, इरफान ने मुझसे मदद मांगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, तुम्हें खुद अपना मुकाम बनाना होगा। हालांकि मैंने कुछ डायरेक्टर्स के पास उसे भेजा ज़रूर। इरफान हर फिल्म रिलीज़ होने से पहले मेरे से बात किया करता था। पान सिंह तोमर के वक्त भी उसका फ़ोन आया था। मैंने कहा था कि इस फिल्म के लिए अगर तुम्हें नेशनल अवार्ड नहीं मिला तो समझना ज्यूरी में कोई खोट है, मगर उसे अवार्ड मिला। स्लमडॉग मिलियनेयर के वक्त भी फ़ोन करता था। रवि के मुताबिक इरफान और उनके परिवारों के बीच अच्छे संबंध हैं। बताया कि इरफान उनके बच्चों को गुरु भाई कहते थे, जब भी मिलते थे गर्मजोशी से मिलते थे। रवि कहते हैं कि इरफान को हर तरीके का अवार्ड मिला, लेकिन राजस्थान में आज तक कोई अवार्ड नहीं मिला। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए राजस्थान सरकार ने कभी उनका नाम तक नहीं भेजा। रवि कहते हैं कि शायद अब इरफान के निधन के बाद राजस्थान सरकार कुछ सोचे और उनके बारे में कुछ करे। बाकी ये वीडियो यहीं तक थी, देखने के लिए शुक्रिया। हम आपके लिए वीडियोज़ लगातार ला रहे हैं इरफान से जुड़ी। आप हमारे साथ बने रहें और जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।